अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हमें बहादुरपुर के किला में और हमारे साथ मौजूद हैं हक्कू सिंघारिया, सलमान खलील और सगीर अहमद टेडिया, जो कि हक्कू सिंघारिया की टीम में बिचौला बनते हैं। और हम यहाँ पे हैं मेवात आज कल की टीम के साथ। तो यहाँ पे आज जो है मेवात जो आजकल है उनकी टीम जो है हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं उनके बारे में भ्रमण कर रही है बेसिकली। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं हमारे साथ, तो ये आप देख सकते हैं एक बार। तो ये बहादुर खान जफर द्वारा बनाया गया एक किला है जो कि बहादुरपुर में स्थित है, चिकानी के पास, अलवर राजस्थान में। तो ये यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है अलवर से। और यहाँ पे बाकी कनेक्टिविटी आप अगर आना चाहें तो रोड के थ्रू है, अच्छा रोड है। चिकानी जो है अलवर तिजारा दिल्ली हाईवे है, उससे ये करीब 4 किलोमीटर साइड में पड़ता है। और यहाँ का जो ऊपर से जो नज़ारा देख रहा है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम दी किला। तो दिस इज़ हाउ, तो ये हमारे ये वही है वसीम खान मेहनती ब्लॉगर, ये हक्कू सिंघारिया और ये शकीर अहमद तेड़िया जी हैं। आज सलमान खलील तो मतलब यहाँ आए हुए लोगों की वजह से यहाँ के ग्रामीण भी काफी लोग आ चुके हैं, जो कि मेरे को नहीं लगता पहले कभी आए होंगे। बच्चों की भी काफी भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ पे हक्कू सिंघारिया और सभी के आने की वजह से। तो अभी आगे देखते रहिए। गाम बस्ती में अकरम सिंगल मेर नाम, हां सिंगल कमन में सुन तो गोती भाई ने आज गोली सब लिख मत करो, इन जो अपन काम कर रहा है भाई फिकर है, हमार फिकर ना फिकर है भाई, फिकर तू कर साथ में सेल्फी ले 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 सेल्फी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सलमान खलील, बढ़िया भाई की बात है। अब अपना आपको कमतर मत हो दिक्कत वही है कि मतलब मैं हाँ पूरा प्रॉपर टाइम ना दे पाए, टाइम ना दे पा रहा, टाइम तो दे रहा हूँ ना बस, वो छः छः महीने डेट टू डेट हो जाए यार, ये कंटेंट इनका एमएससी का एग्जाम रहे, कंटेंट राइटिंग के लिए मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, वजह से पैसा वैसा नहीं है बिल्कुल सही है। जोधपुर चिकानी यानी अलवर की तरफ है ये फोर्ट, ये नहीं पता किसका फोर्ट, सलमान अली बताएंगे, सलमान खलील बताएंगे। यू बहादुर शाह, सॉरी बहादुर खां को किला है, बहादुर खां को किला है। और वैसे तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुको है, टूटो पड़ो। बाकी आगे जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत सही हैं, लाइक हमें एक बीच बीच में एक कुआ है जहाँ मैं पानी स्टोर किया जा सके हो। और हमारे पास अभी फ़िलहाल 21वीं शताब्दी में जो जी रहे हैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अब ना है पानी संरक्षण के लिए कि वाटर कंजर्वेशन कैसे करो जाए। वाटर में हमारे बूढ़े बडेन पे ऐसी ऐसी चीज़ ही कि उनके ज़रिए इतनी ऊंची जगह पे देखो, आप नीचे देखो बहुत नीचे गांव बस रहा है जो गांव है, मगर यहाँ फिर भी इतने ऊपर पानी स्टोर करने को तरीको हो, यहाँ जो रास्ता हो या घुड़सवारी बना रखी है, बाढ़ भूखा बोल रहे हैं मगर फिर भी वो रहने वहाँ की जो स्ट्रक्चर है वहाँ भी देखो जा सके। या तो भाई शकीर अहमद के सुगले खुल गए तो भैया टाइट करके आगे चल रहा है। जो ज़्यादा बोल के बनाया जाए ना तो हर चीज़ के बारे में, तो मतलब ये इस चीज़ के बारे में शकील अहमद भाई साहब बात कर रहे थे, हक्कू सिंघारिया ने बात करी थी कि जो बीच में है जो ये बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है। और जो यहाँ पे मतलब जो छतें हैं उनका स्लोप इस तरह से ढलान किया गया है कि जो मतलब बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके। तो बेसिकली ये काफ़ी एडवांस थे उस ज़माने में। ये उतर रहे हैं यार, हम दूसरी साइड से आए, हमें तो साधनी दूसरी तरफ रहे, यही से आए क्या आप लोग सलमान, यही से आए? हाँ यही से आए, हम दूसरी साइड खड़ी कर दी गाड़ी पूरी यार निकलना अब तो फिर मिलेंगे अपन अगर हो तो यहाँ अपने जो है ना बड़ी बड़ी। पहले एक राजा महाराजान को भी इतने देखो तो हिस्ट्रिकली इतना ऊपर ही रह गए, वो समय कैसे बना रखो तो ए सी
भाग लिया ले भाई रख थोड़ा साइड में पूछ जाए देखो जो भाई हम आज के ट्रिप में बहादुरपुर के किले में हांड रहे हैं भाई देसी भाषा में कहा जात है। तो ये दोस्तों ये देखिए मतलब कि ये बहादुर खान जो यहाँ के वो थे जिन्होंने किला बनवाया तो उस जमाने में भी यहाँ पे मतलब कि वाटर कंजर्वेशन के लिए टेक्नोलॉजी बनाई हुई है भाई। तो दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल चीज़ों का पता नहीं है बाकी चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही हैं। तो भैया जी पूरी टीम जा रही है अभी आगे वो मेरी बाइक खड़ी दूसरी साइड तो चलो देखते हैं। शर एक तो पता है इसमें चढ़ तो गए और सारी टीम आई थी दूसरी तरफ से और मेरे को एक भैया छोड़ के गए थे दूसरी तरफ से साला सब उतर के देखो साला समझ में नहीं यार चढ़े कहाँ से थे भाई। अच्छा शायद यहाँ से चढ़े थे क्या नहीं यार यहाँ से तो बहुत खतरनाक है यहाँ से तो नहीं चढ़े हुए तो दूसरी साइड से शायद तो शायद इधर से आए थे हम लोग। हाँ जी इधर से आए सही पर देखते हैं देखो आप लोग तो भाई ये वो जगह है जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी तो अभी हम निकल रहे हैं जूते सड़क खुल चुका है भाई तो कुछ ऐसी है कि भाई यार कहाँ से चढ़ा दिया भाई ने समझ में कुछ कम सही आ रहा है मोटरसाइकिल भी खड़ी करी थी पता नहीं चल रहा कि आए कहाँ से इसको वो आसान रास्ता बोल रहे थे भाई शॉर्टकट कहाँ से चढ़ाया भाई ने पता ही नहीं चल रहा भाई गिर गए भैया चलो कैमरा बच गया ऐसे लोग चढ़ रहे हैं मेरे को वहां से हेलमेट उठाना है और फिर जाएंगे आगे भाई गाड़ी चल रही है अच्छा ये चीज याद आ गई ये वाली गाड़ी भी इनकी है क्या ये वाली गाड़ी तो भाई एक बोलेरो कैंपर भी खड़ी है वो भी शायद इनकी है चलो बढ़िया बाकी आपको सिंगारी और गाड़ी उधर खड़ी है तो मैंने यहाँ सामने वाले घर में हेलमेट रखे गया था। तो भाई सुबह सुबह हैवी वर्कआउट हो गया तो भैया कोई अपन ने अपना हेलमेट ले लिया और अभी जहाँ पे कुछ सिंगारी उन्होंने गाड़ी खड़ी है वहाँ चलता तो भाई हम घुस तो गए हैं अब ये नहीं पता निकलेंगे कहाँ थे यहाँ से तो शायद राइट साइड में खड़ी है भाई उनकी गाड़ी हक्कू सिंगारी और उनकी तो चलिए एक बार देखते हैं अगर मिल जाए तो बढ़िया हाँ भाई खड़ी हैं गाड़ियाँ तो पर वो लोग अभी आज तक आए ना हैं तो शायद रास्ते में हैं जब तक अपन देख लेते हैं हक्कू की गाड़ी हक्कू सिंगारी की क्रेटा खड़ी है शायद पता ही होगा ये देखो नंबर 493385 और अक्कू सिंगारे शायद इधर से आ रही होगी उनकी टीम
भाई अकू आपका वो दोस्त ना के नाम है हैप्पी डॉक्टर जी पाटला वाले जी सर। वो हमारा गांव के स्टैंड पे दुकान है धमुकड़ गांव में। अच्छा आप धमुकड़ के? मैं धमुकड़ में गया हूं बस एक बार। वो मुस्तफा और वो गांव धमुकड़ है ना। हां हां तो एक मुस्तफा है और एक वो भज्जी है ना वो जो आप वीडियो में है तेजाराम शॉर्ट में वहां पे हमारे गांव के ही हैं। तो भाई अपने वही गांव। चलो अच्छी बात आपका YouTube चैनल है। थोड़ा सा है स्ट्रगलिंग ही लगा थोड़ा सा ना मतलब YouTube चैनल तो पूरा ही होता है छोटा ही मान छोटा ही अभी तो स्टार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ये भाई साहब हमारे साथ सगीर अहमद इंडिया अभी अगली जगह भी जाने वाले हैं भाई हम भाई हसन का अगली जगह जाने वाले हैं बालक किला पे जाने वाले हैं। हाँ हाँ तो ठीक है तो अभी हम वहीं जाएंगे अक्षु सिंगारिया के साथ तो जुड़े रहिए। चलो।